अब हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट। और इसी चैप्टर को हम सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। सर, इस फाइनल अकाउंट में हम क्या-क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊं, तो आपने सबसे पहले जो हमारा अकाउंट का स्टेप होता है, उसे हम सबसे पहले करते हैं जर्नल। जर्नल एंट्री के बाद हमारा अगला स्टेप आता है लेजर। लेजर के बाद हम अगला स्टेप करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा, वो होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट देखिए, अब ध्यान से देखिए। अब जर्नल पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फाइनल अकाउंट। जर्नल के अंदर आपने क्या करा था? जर्नल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से 11th क्लास में सीखा था, क्योंकि आपको अच्छे से जानते हो आप। अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आप एक बिजनेसमैन हो और आप मुझे एज एन अकाउंटेंट अपने पास रखोगे, जब आप मुझे अपने पास एज एन अकाउंटेंट रखोगे, तो आपकी क्या उम्मीद होगी मुझसे? मैं आपके पास जॉब करूंगा तो आपकी क्या उम्मीद होगी कि आपके मैं सारे बिजनेस का अच्छे से हिसाब किताब बना के रखूं, सारा डिटेल में अकाउंटिंग करके रखूं? अगर डिटेल में अकाउंटिंग नहीं करूंगा तो आप मुझे उसी दिन नौकरी से निकाल दोगे, और आप मुझसे बार बार पूछोगे, बोलोगे भाई बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना पैसा कमाया, कहाँ गए इतने पैसे, दिन भर काम कर रहे हैं, सारी डिटेल दो। तो मुझसे ये सारी चीजें पूछोगे। तो बेसिकली मैं पहले जर्नल करूंगा, जर्नल करने के बाद मैं लेजर करूंगा आपके दुकान में जब मैं काम करूंगा, और फिर ट्रायल बैलेंस करूंगा। ट्रायल बैलेंस एक तरीके से जैसे चाय की छन्नी है ना, तो वो छन्नी है समझ लो बस। यहां और यहां जो गलती है, उस गलती को ट्रायल बैलेंस ढूंढ के निकाल देता है। अब जब ये गलती निकल ही गया हमारा यहां पे आके, तो आप मुझे बताइए, ट्रायल बैलेंस से गलती निकल गया, तो अब इससे जो मैं आपको नेट प्रॉफिट, यानी बिजनेस का जो मैं नेट प्रॉफिट आपको बताऊंगा, या बिजनेस का आपको मैं बैलेंस शीट बना के दूंगा, उसमें गलती होने के चांसेस 1% रह जाता है। क्योंकि जो यहां एरर होगा, यहां एरर होगा, यहां पे हट गया, इसके बाद फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट हमारा अकाउंटिंग का सबसे लास्ट स्टेज होता है, और हर एक बिजनेसमैन जानना चाहता है हमारा प्रॉफिट कितना है, तो हम उसे प्रॉफिट बनाएंगे। हमें जर्नल नहीं सीखना, लेजर नहीं सीखना, ट्रायल बैलेंस नहीं सीखना, हम सीधा फाइनल अकाउंट की बात करेंगे, और बड़े अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए, फाइनल अकाउंट में समझने से पहले, फाइनल अकाउंट में हमारे कितने तरीके के अकाउंट बनेंगे? अकाउंट को ना बेसिकली लेजर भी बोलते हैं। तो हम फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें बनाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले होगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सर, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? बिल्कुल बताऊंगा, चिंता मत करो। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट जो बनेगा, वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? इसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे, कैसे बनता है और क्यों बनाया जाता है। लास्ट में होगा हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, समझे बात को? जी सर। ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको सीखना है ना, तो जो मैं बोलूंगा वो समझना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट सीखने के लिए आपको सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस की जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट एक्सपेंस की जानकारी होना चाहिए। सर, ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? चिंता मत करिए आप, सब बताऊंगा मैं यहां पे। और प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जानकारी चाहिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस की जानकारी चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट एक्सपेंस,
और इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आ जाए तो आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाने के लायक हो जाओगे, आराम से बना सकते हो। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट की आप जब बात कर रहे हो, तो ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? इसका बनाने का मेन पर्पस है, हम यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे या फिर लॉस निकालेंगे, दो चीजें होगा, या ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा यहां से रिजल्ट, या और नेट प्रॉफिट। और सर इस प्रॉफिट को निकाल के हमें करेंगे क्या? इस प्रॉफिट का इस्तेमाल इस वाले अकाउंट में होगा, यहां से जो आंसर आएगा उसका इस्तेमाल इस अकाउंट में करेंगे। इसमें जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तब हम यहां बना पाएंगे, नेट प्रॉफिट निकाल पाएंगे हम यहां से, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। समझ में आ रहा है? अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है आपको। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का क्या करेंगे? इसका इस्तेमाल बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। और बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट बेसिकली हमारे बिजनेस में कितने लाइबिलिटी है, कर्जा, और हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स हैं, इन दोनों के बारे में बताता है। और यही एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी अगर आपका आता है तो आंसर आपका ठीक हो जाता है। तो हमें एक ट्रेडिंग अकाउंट सीखने के लिए आपको पहले डायरेक्ट एक्सपेंस जानना होगा, और पीएनएल सीखने के लिए, मैं इसको पीएनएल बोल रहा हूं ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो प्रॉफिट एंड लॉस सीखने के लिए आपको इनडायरेक्ट सीखना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक। अब देखते हैं हम आगे, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके सामने, और इस एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। आप अच्छे से बस देखिएगा और ऑब्जर्व करिएगा। मान लेते हैं, आप मुझे बताइए, फैक्ट्री मैं कॉनॉट प्लेस में लगा सकता हूं क्या? मैं सीपी में चाहता हूं एक फैक्ट्री लगाऊं और इतना धुआं करूं वहां पे कि कोई कॉनॉट प्लेस में बचे ही ना। क्या मुझे गवर्नमेंट परमिशन देगा फैक्ट्री, मैं अपना फैक्ट्री सीपी में लगाना चाहूं तो? बताइए क्या गवर्नमेंट परमिशन देगा? जवाब है नहीं देगा। गवर्नमेंट परेशान है, इतना क्यों देगा? मैं अपना ऑफिस खोलना चाहता हूं, एक ऑफिस, और मैं ऑफिस कॉनॉट प्लेस में खोल ओपन करना चाहता हूं मैं, और ऑफिस मेरा सीपी में, ऑफिस है ना ये, तो ऑफिस कहां पे? सीपी में ओपन करना चाहता हूं, तो क्या गवर्नमेंट हमें ऑफिस ओपन करने दे सकता है? गवर्नमेंट क्या, सीपी में तो मैं ऑफिस ओपन कर ही सकता हूं। सर फैक्ट्री क्यों नहीं कर सकते? गवर्नमेंट कहती है फैक्ट्री को आप ऐसी जगह पे रखें जहां से, जहां पे आस पास खुला एरिया हो, वहां पे पोल्यूशन हो भी जाए तो किसी ह्यूमन बीइंग को परेशानी ना हो, चाहे नॉइस पोल्यूशन हो, चाहे आपका एयर पोल्यूशन हो, लेकिन कंट्रोल फिर भी करना है आपने। ठीक है, अच्छा सर और बातें बताइए मुझे, और बातें बताते हैं। तो फैक्ट्री जनरली आप किराए पर नहीं लेते, आप कहीं दूर में जैसे कि नोएडा, गुड़गांव, बिल्कुल खाली खाली जगह है, वहां पे जाके अपनी फैक्ट्री को स्टेब्लिश कर दोगे और फैक्ट्री से माल बनाओगे फटाफट, और कहां लेके जाओगे? सीपी में। ग्राहक पता है कहां आएंगे? ग्राहक कहां पे आएंगे बताइए जी, ग्राहक कहां आएंगे? जी ग्राहक आएंगे हमारे पास ऑफिस में। अगर फैक्ट्री में कभी देखा है आपने कि ग्राहक आते हुए, मैं जहां पे हूं ये पीतमपुरा है, मेरे साइड में एक ब्रिटानिया का फैक्ट्री है, जो ब्रिटानिया बिस्किट है उसका फैक्ट्री है मेरे साइड में, बहुत पुराना है, अब तो ऑफिस ही रह गया। अगर मैं जाऊं वहां पे बोलूं भाई एक मुझे ब्रिटानिया का गुड्डे दे दो एक बिस्किट, तो मुझे भगा देगा, कहेगा नहीं भाई हम नहीं देते गुड्डे उड्डे, आप जाओ दुकान से लो, दुकान पे मिल जाएगा। तो फैक्ट्री से कभी भी सामान नहीं बिकता, सामान हमेशा ऑफिस या आउटलेट से बिकता है। सर फैक्ट्री के बारे में और भी बातें बताऊं, फैक्ट्री में देखो जो लाइटें होती है ना, देखो फैक्ट्री में लाइटें भी है, देखो थोड़ी पेंटिंग मेरी जरूर खराब है लेकिन बस समझा जरूर दूंगा, फैक्ट्री में लाइटें भी हैं, और फैक्ट्री के अंदर हमारा वर्कर भी होगा, ये वर्कर, और ये वर्कर कैसा होता है बड़ी हैरानी होती है, मैं देखता रहता हूं,
वर्कर कैसे होते हैं, मैं देखता हूँ बड़े सूट वूट पहन के, बड़े अच्छे से कपड़े नहा धो के जाते हैं लंच वगैरह लेके। लंच भी तो आजकल फैशन वाले टिफिन आ गए, पता ही नहीं चलता है इसमें लंच ले जा रहे हैं कि क्या ले जा रहे हैं। लेके जाएंगे, लेके जाने के बाद फैक्ट्री में गए, जो कपड़े पहन के गए थे उन्होंने कपड़े को चेंज किया, और वहां पे काले पीले नीले कपड़े पहनते हैं वो। उसके बाद लग जाएंगे मजदूरी में, मजदूरी में लगने के बाद क्या करेंगे वो फिर से आपका शाम में जब उनका शिफ्ट खत्म होगा, हाथ वाथ धो के फिर तैयार होके फिर घर आएंगे। चाहिए कि ये फैक्ट्री में काम कर रहा है, हालात तो ये हैं। यानी फैक्ट्री के अंदर जो है वो मजदूरी करने जाता है, मजदूरी करने जाएगा, और जो मजदूरी करता है ना उसको दिया जाता है वेजेस। वेजेस जो मजदूरी करता है उसको क्या दिया जाता है जानते हो? वेजेस दिया जाता है। अच्छा और बताइए कुछ नई बातें। चलिए फैक्ट्री में जो लाइटें जलती है ना, ये लाइटें जो है ये बड़े बड़े पावर के, जैसे कि 440 वोल्ट का, आपने सॉन्ग सुना होगा 440 वोल्ट वाला, तो वही 440 वोल्ट का वहां पे इस्तेमाल होता है। घर में 220 वोल्ट का है, आप स्विच में उंगली डाल के देखना, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाओगे, चिंता मत करना। लेकिन फैक्ट्री में ठीक नहीं होगे बिल्कुल, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पे मैं बात करूं फैक्ट्री में जो यूज होता है, बहुत हैवी स्विच यूज होता है पावर, तो यहाँ पे बिजली का बिल को इलेक्ट्रिसिटी बिल की बेइज्जती मत बोलो। फैक्ट्री का बोलोगे ना कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, तो बेइज्जती महसूस होता है, भाई हम इलेक्ट्रिसिटी तो घर ऑफिस वाले यूज करते हैं, यहाँ पे जो बिल आता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे भी लाइटें लगा देते हैं, चलो रंग बिरंगी लाइटें लगा दी, और यहां पे जो होता है ना वो क्या होता है पता है? पावर। अच्छा ठीक है, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर उसके अंदर प्रोसेस होगा, काफी सारी चीज होती है, फैक्ट्री से आइडिया लग सकता है हमें। तो फैक्ट्री के अंदर ना सामान जो खरीदा जाता है, ये देखिए यहां से फैक्ट्री के अंदर जो सामान आएगा ना वो कहीं बाहर से आएगा, दो जगह से आ सकता है, या तो इंडिया से आ सकता है, इंडिया से, तो इंडिया से जब सामान आएगा तो तीन हमारे पास रास्ते हैं सामान को ले जाने का, बाय एयर आ सकता है, अरे फैक्ट्री के अंदर नहीं आएगा, मतलब फैक्ट्री से दूर जहां पे हवाई अड्डा होगा, जहां आपका एयरपोर्ट होगा वहां तक तो आएगा, वहां से हम ले आएंगे, या बाय शिप आ सकता है अगर आपका ऐसे जगह पे है फैक्ट्री, या बाय बस आ सकता है, ट्रेन से भी आ सकता है, बाय रोड, बाय शिप और बाय एयर। तो अगर आपका मान लेते हैं कि ये आ रहा है बाय रोड और ये फैक्ट्री में माल जाने वाला है, तो ऐसे सिचुएशन में जब फैक्ट्री में माल जाने वाला है तो इसको हमें देना पड़ेगा, सामान तो यहां रखेगा ही रखेगा, और इसमें इसको किराया देना पड़ेगा। इस किराए को पता है हम क्या बोलते हैं? इस किराए को जो इसे देना पड़ेगा उसे बोलते हैं कैरिज। कैरिज और क्या बोलते हैं सर? और बोलते हैं कार्टेज। कार्टेज और क्या बोलते हैं सर? और बोलते हैं, इसको हटा देते हैं, इंडिया थोड़ा दूर कर देते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ओहो कैरिज भी मिट गया, कार्टेज और क्या बोलते हैं? फ्रेट। जो ये देखो ये गाड़ी जा रही है, इसको यहां पे पहुंचाएंगे तो इसको गाड़ी वाले को पेट्रोल का खर्चा सब किराया देना पड़ेगा, तो उसको ये तीन नाम से जानते हैं। लेकिन वही चीज मान लेते हैं कि ट्रेन से आए, अब ट्रेन कैसे बनाए? अब पता नहीं ट्रेन कैसे बनेगा, मैं तो यही बना देता हूं, ये ट्रेन में बहुत सारे टायर हैं, ये ट्रेन है ठीक है, ये लो ट्रेन बन गई। ट्रेन से यही सामान आएगा तो इसको हम कैरेज और कार्टेज नहीं देंगे, इसको देंगे ऑक्ट्री, इसको देंगे ऑक्ट्री। तो देखिए फैक्ट्री में जब सामान आता है ना, जब फैक्ट्री में सामान आएगा अगर गाड़ी से आया तो फ्रेट, कैरेज और कार्टेज दिया जाता है, और जब ट्रेन से आएगा ना तो वहां पे बड़े बिल्टी वगैरह होते हैं जिसको ऑक्ट्री बोलते हैं, बिल्टी वगैरह वो दिया जाता है। एयर से आएगा तो नॉर्मल आपका, उसको हम बोलते हैं इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस भी बोलते हैं हम। चलिए
और बात करते हैं हम, यहां पे आ गया, अगर आउटसाइड इंडिया हो तो, आउटसाइड इंडिया हो तो, हाँ ठीक है, आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया, क्या कह रहे हो सर, आउटसाइड इंडिया, हाँ जी, अगर आउटसाइड इंडिया हुआ तो आउटसाइड इंडिया देखो कैसे हो सकता है, चाइना से माल आता है इंडिया में, जापान से माल आ सकता है, यूएसए से माल आ सकता है, पाकिस्तान, पाकिस्तान से नहीं आ सकता, पाकिस्तान को तो हम बेच सकते हैं, ठीक है ना, चाइना से माल आ सकता है। अब ये मार्कर मेरे हाथ में है, वेरी सिंपल सा एग्जाम्पल है, मार्कर है, ये मार्कर मैं 20 रुपए का खरीदता हूं, अगर ये मार्कर मैं चाइना में जाऊं ना लेने तो हो सकता है 5 रुपए में दे दे, बड़े कमाल के होते हैं ये चाइनीज, कुछ भी बना देते हैं, तो ये 5 रुपए के दे सकते हैं मुझे। तो आप देखिए, मैं ऐसा करता हूं, चाइना से माल खरीद के और अपने फैक्ट्री में रखूंगा, इसके रैपर वैपर चेंज करूंगा और बेच दूंगा, तो 5 रुपए का चाइना से लाया, 1-2 रुपए रैपरिंग किया और 20 में बेच दिया, तो मुनाफा देख रहे हो कितना है, मुनाफा करीबन करीबन हमारा 100% के बराबर हो जाता है, 10 का सामान 20 में बिक रहा है। लेकिन अगर मैं अपने फैक्ट्री में बनाऊंगा ना तो 18-17-18 का तो कंपनी को ही पड़ेगा, और ये अब बेचेगा 20 रुपए का, तो बताओ इसको क्या फायदा होगा। इसलिए तो फैक्ट्री वाले बोलते हैं, सरकार और कोई कुछ बोलता रहे, हमारा मुनाफा कम ना हो जाए, और मुनाफा कम ना हो जाए इसलिए वो क्या करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक बोलती है, आजकल तो अवेयर हो गए हैं, चाइनीज मेड इन चाइना देखते ही फेंक देता है, इसे नहीं लेंगे भाई, ये चाइना का सामान है, चाहे कितना भी सस्ता हो, है ना। लेकिन गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की चालाकी देखिए, गवर्नमेंट बोलता है जाओ चाइना से माल लेके आओ, मैं गया और मैं चाइना से माल लेके आया, लेके आया, लेके आया, बीच में गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, इधर इधर कहां से सामान लेके जा रहे हो, मैंने बोला जी चाइना से लेके आ रहे हैं, भारत में बेचेंगे, और क्या, बोला कितने का लेके आए हो, मैंने बोला 5 रुपए का लेके आए सर, इस पे बोला कि इंडिया में कितने का, 20 रुपए का, यहां का जो गवर्नमेंट होगा वो फटाफट से चेक करेगा इसका प्राइस इंडिया में 20, और फटाफट से इंडिया में कितने का बनता है, इंडिया में बनता ही है 18 का। तो इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट बोलेगा भाई तू चाइना से लेके आएगा तो ये फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी, जब ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी एक दिन तो सारा का सारा जो है कंट्रोल वो चाइना के पास चला जाएगा, हम एक काम करते हैं तू 5 रुपए की ला, कोई बात नहीं, 5 रुपए की ला बहुत अच्छी बात है, हम इसके ऊपर 13 रुपए का टैक्स लगा देते हैं, अब लेके आ जा तू अंदर और बेच ले, तो अब कितने का मुझे पड़ गया अल्टीमेटली सरकार को देने के बाद 18 का, ये भी कितने का बना रहा है 18 का, और जो बाहर से चाइना से लेके आ रहे हैं वो भी 18 का, ये भी 2 रुपए, ये भी 2 रुपए, तो गवर्नमेंट इस तरीके से टैक्स लगाती है, इस टैक्स को पता है क्या बोलते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है ना। तो इंपोर्ट ड्यूटी अगर सरकार को नहीं पेड करोगे तो आप सब स्मगलर कहलाओगे, आप चाइना जाओ, चाइना से कुछ भी सामान लिया और सरकार को टैक्स मत दो, यू आर स्मगलर, तब आप एक स्मगलर कहलाओगे उस केस में, उसी को तो बोलते हैं स्मगलर, ऐसा कोई गैरकानूनी चीज नहीं है, सरकार को टैक्स दो सब ठीक रहता है। अच्छा, हमें माल इंडिया से खरीदना है तो ये किराया होता है, इंडिया के बाहर से खरीदेंगे तो एक प्रकार का टैक्स भी देना पड़ता है जिसको बोलते हैं हम इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। और जी सर और कुछ बातें बताइए, ठीक है बताते हैं हम आपको। यहां पे कई बार क्या होता है, लाइट चले गया तो वहां पे इन्वर्टर नहीं होता, जनरेटर होता है, ऑफिस में इन्वर्टर होता है, वहां पे जनरेटर होता है, जनरेटर क्या होता है, डीजल वगैरह यूज होता है, कुछ तो कोल वगैरह भी यूज करते हैं, तो यहां पे आपका डीजल वगैरह फ्यूल यूज होता है, फ्यूल दिख रहा है आपको, फ्यूल ठीक है, फ्यूल यूज होता है। और सर और क्या इस्तेमाल होता है ये भी बता दो, और फैक्ट्री के अंदर देखा जाए फ्यूल के साथ साथ, और यहां पे जो माल बनाते हैं पैकिंग वगैरह करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हाँ जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो ये कुछ खर्चे हैं, आप इमेजिन भी कर सकते हो, यहां पे ये चाय भी पिएगा ये भी खर्चा होगा, बहुत सारे खर्चे यहां पे हो सकते हैं, जो खर्चे हमारे फैक्ट्री के अंदर होते हैं उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोला जाता है,
जो खर्चे हमारे फैक्ट्री के अंदर होते हैं तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस, तो यानी जितने भी यहाँ पे खर्चे हैं, जितने भी यहाँ पे खर्चे हैं उसको क्या नाम से जानेंगे हम? डायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ पावर का बिल आया तो क्या होगा? सर डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने ऑक्ट्री दिया, क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने फ्रेट दिया, क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने काटेज दिया, क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। मैंने वेजिस दिया, वेजिस मजदूर, मजदूरी का मतलब मेहनत से जो कि फिजिकली वर्क करते हैं, तो मैंने इसको वेजिस दिया तो क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अच्छा सर यहां पे सबको वेजिस मिलता है क्या? नहीं, यहां पे सैलरी भी मिलता है। सैलरी किसको मिलता है? आपके फैक्ट्री में ऑफिस तो होगा ही होगा, ऑफिस जब होगा तो कोई ना कोई मैनेजर भी रखोगे तो उसको क्या मिलेगा? सैलरी। जब यहां पे दोनों तरीके के लोग मिलेंगे ना, जिसको वेजिस भी दिया जाता है और सैलरी भी दिया जाता है, तो हम एक सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं सैलरी, सॉरी सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं वेजिस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी। विजुअल है प्रॉपर आपको? ठीक है, वेजेस एंड सैलरी। पहले वर्ड वेजेस है, फिर वर्ड सैलरी है, इसका मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है। क्या सर यहां पे नहीं मिलता? बिल्कुल, यहां पे जो काम करते हैं ना नॉर्मली पर्सन, वो पर्सन पता है कैसे होते हैं? वो पर्सन टाई वाई लगा के आते हैं और वैसे ही घर वापस भी लौटते हैं, ऐसा नहीं कपड़े उपड़े बदलते हैं। तो यहां पे जो काम करेंगे उसको दिया जाएगा सैलरी, सैलरी दिया जाएगा। क्या यहां पे मजदूर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यहां पे भी मजदूर, तो उसको दिया जाएगा वेजेस। तो सर वेजेस यहां भी हमें कैसे पता चले? अरे मैं अगर बोलू ना आपको किस तरीके से, देखो बोलने का स्टाइल होता है, अगर मैं बोलू सैलरी एंड वेजेस, तो देखो सबसे पहले वर्ड क्या है, पहले वर्ड पे ध्यान दो। तो फर्स्ट वर्ड जो है मेरा वो है सैलरी, और यहां पे फर्स्ट वर्ड वेजेस। तो जो पहला वर्ड अगर वेजेस एंड सैलरी है तो फैक्ट्री में मिल रहा होगा, सैलरी एंड वेजेस है तो ऑफिस में मिल रहा होगा। अब माल बन के, ये माल बन गया, रास्ता बना देते हैं, ये माल बन गया और बन के यहां जाएगा, ये माल बन के यहां जाएगा, है कि नहीं? फैक्ट्री से सारा माल बनेगा और बन के जाएगा, तो क्या यहां पे भी हमें ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे, गाड़ी का पैसा देना पड़ेगा, किराया? जी, जो यहां पे देना पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? कैरेज। तो सर ये भी कैरेज और ये भी कैरेज। अब मुझे एक बात बताना, यहां से जो फैक्ट्री के अंदर, यहां से ये माल अंदर आएगा और ये वाला जो है फैक्ट्री के बाहर जाएगा, तो ये अंदर जब आएगा तो इसको बोलेंगे इनवर्ड, और जब ये बाहर जाएगा तो इसको बोलेंगे हम आउटवर्ड। तो कैरिज इनवर्ड जब मैं बोलूंगा तो यहां का खर्चा है, कैरिज आउटवर्ड बोलूंगा तो यहां का खर्चा है। बस आपको इतने सिंपल से समझना है, सैलरी और वेजेस बोलूंगा तो यहां का खर्चा है, वेजेस एंड सैलरी बोलूंगा तो यहां का खर्चा है। अब बताना लोन पे ब्याज, लोन वोन लेने उने का काम डिस्कशन फैक्ट्री में होगा या ऑफिस में होगा? ऑफिस में। डिस्काउंट कहां दिया जाएगा? कस्टमर तो यहां आएगा तो यहां पे। और बताओ छोटे मोटे जनरल एक्सपेंस कर लिया मैंने, वो यहां पे होगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल यहां पे होगा, और टेलीफोन का खर्चा यहां भी हो सकता है यहां, लेकिन ज्यादातर यहां पे होता है। रेंट, रेंट बताओ, ये वाला तो खुले आसमान, बिल्कुल एकदम कुछ भी नहीं है, सस्ती जमीन ली है तो उसे रेंट पे लेके क्या फायदा, अपना लेके बनवा लेंगे ना। रेंट नॉर्मली किसका होता है? ऑफिस का होता है, तो रेंट बोला जाएगा तो यहां का खर्चा माना जाएगा। तो कुछ खर्चे हैं जो कि ऑफिस में होते हैं और कुछ खर्चे हैं जो कि फैक्ट्री में होते हैं। जो ऑफिस फैक्ट्री में खर्चे होते हैं वो सारा का सारा क्या कहलाता है? डायरेक्ट। और जो ऑफिस में खर्चे होंगे उसको कहेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे फटाफट से मन में जवाब देना है, और जिसको चैट सेक्शन में टाइप करना है वो मुझे बता दे। एक आया कि सैलरी आए तो यहां होगा, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया कि सर सैलरी आए तो क्या होगा? सिर्फ सैलरी है ना तो यहीं लिखेंगे, सैलरी है तो यहीं ऑफिस में, और अगर वेजिस है तो यहां, सैलरी एंड वेजिस है तो यहां, वेजिस एंड सैलरी है तो यहां। अब मैं पूछता जाऊंगा आप मुझे बताना, मैंने कमीशन पेड किया सेल्समैन को, तो बताओ
फैक्ट्री में होगा या ऑफिस में? सेल्समैन को कमीशन पेड किया है, बताइए। सेल्समैन को कमीशन पेड किया है, कोई बता सकते हैं मुझे? चलिए फटाफट बताइए, सेल्समैन का कमीशन कहां जाएगा? सेल्समैन का कमीशन ऑफिस का होगा या फैक्ट्री का होगा? जल्दी जल्दी बताइए। एक क्वेरी आया है मेरे पास सर, डॉक ड्यूज, अभी चर्चा करेंगे, डॉक ड्यूज पे भी सारी बातें बताएंगे आपको। अक्षय ने पूछा है, अभिषेक ने पूछा है कि सर डॉक ड्यूज क्या होगा, उसको बताएंगे। कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए आपके मैंने सेल्समैन का कमीशन कहां का होगा, ऑफिस का होगा या फिर आपका फैक्ट्री का होगा? ऑफिस, एक बच्चे का ऑप्शन आया है ऑफिस, बिल्कुल सही जवाब, ऑफिस का होगा। तो ऑफिस का खर्चा होगा, तो आप मुझे यह भी बता दो ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा कि इनडायरेक्ट होगा? अब बताइए, अगर ऑफिस का खर्चा है तो डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है? एक और जवाब आया है मेरे पास, कमीशन पेड सेल्समैन ट्रीटेड एज बाय ऑफिस, बिल्कुल ठीक। तो मैं सिंपल सी बातें बताऊं, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर ऑफिस का खर्चा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहां जाएगा? पी एंड एल में। फैक्ट्री का खर्चा है तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस बनाएंगे तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पीएनएल अकाउंट क्या होता है, हम बाद में समझेंगे ना, पहले उसके अंदर क्या क्या चीजों से रिलेटेड है वो मैं बताना चाहता हूं। बैलेंस शीट को तो अभी साइड में ही रहने देते हैं, बैलेंस शीट पे तो मैं अभी चर्चा ही नहीं कर रहा, वो बाद में करेंगे। तो मैं कुछ एक्सपेंसेस है जो मैं बोलूंगा और मैं बताता जाऊंगा। जैसे कि अभी एक बच्चे ने पूछा सर डॉक ड्यूज क्या होता है? डॉक ड्यूज, डॉक बोलते हैं बंदरगाह को। बंदरगाह कहां होता है? जहां पे शिप से सामान आता है। तो अगर शिप से सामान आएगा तो शिप से सामान फैक्ट्री में आएगा, सीपी में नहीं जाने वाला कभी भी शिप से सामान। अगर मान लो मेरा कोलकाता में है तो यहां सीधा फैक्ट्री में जरूर पहुंच सकता है। तो जो डॉक ड्यूज होता है वो हमारे शिप का जो किराया होता है उसे हम डॉक ड्यूज भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे? चलिए हाँ, अब हम बात करते हैं कुछ खर्चे। मैं बोलता हूं फटाफट से, मन मन में जवाब देना है क्विकली। मैंने बोला सिर्फ रेंट कहां का खर्चा है? रेंट ऑफिस का खर्चा। सैलरी एंड वेजेस, पहले क्या है? सैलरी, ऑफिस का खर्चा। कमीशन पेड टू सेल्समैन, ऑफिस का। डिस्काउंट अलाउड, ऑफिस का खर्चा। टेलीफोन एक्सपेंस, ऑफिस का खर्चा। कैरिज आउटवर्ड, कैरिज वर्ड बोला है मैंने, ऑफिस का। सिर्फ कैरिज बोलू तो फैक्ट्री का। कैरिज इनवर्ड, वो भी फैक्ट्री का, इनवर्ड मतलब यहां का खर्चा। फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री का खर्चा, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस। फ्यूल एंड पावर के बाद और क्या क्या नाम याद करते हैं फटाफट से? ऑक्ट्री, वो भी आपका फैक्ट्री का। डॉक ड्यूज, वो भी आपका फैक्ट्री का। और क्या हो सकता है? जर्नल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंस भी। देखो ऐसे समझते हैं जर्नल एक्सपेंस, और सन्ड्री एक्सपेंस भी बोलते हैं, लिख देते हैं। मेरे पास जगह नहीं बचा, मैं लिख देता हूं यहां पे, जर्नल एक्सपेंस, जर्नल एक्सपेंस या फिर सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस। क्या होता है, घर में मैं डेली जाता हूं, मेरी मदर कहती है जब भी कभी बैठ के बातें करते हैं तो मदर से बात होती है तो मेरी मम्मी कहती है आजकल का जमाना तो बड़ा बेकार हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, हम पहले 1 रुपए में पूरे महीने का खर्चा चला लेते थे। मुझे बहुत ताज्जुब होता है ये सुन के, और होता होगा। उसके बाद कहती है आज के टाइम पे 100 रुपए तो 10 रुपए के बराबर है, 100 रुपए तो पता भी नहीं चलता सुबह सुबह कहाँ निकल जाते हैं। मैंने पूछा कहाँ निकल जाते हैं 100 रुपए, किसको दे के आते हैं सुबह सुबह? बोलता है 100 रुपए तो छोटे मोटे खर्चे में निकल जाते हैं। अब मैं परेशान के भाई छोटे मोटे खर्चे कौन से होते हैं, छोटे मोटे खर्चे कौन से होते हैं? मैंने एक दिन पूछ लिया ये छोटे मोटे खर्चे कौन से हैं मुझे भी तो बताओ जो 100 रुपए खर्च होते हैं। बोला दूध, चाय की पत्ती, चीनी, ब्रेड, सुबह का नाश्ता जो करते हो उसमें निकल जाते हैं। मैंने कहा अच्छा तो ये कौन सा खर्चा है, तो इस खर्चे को क्या बताना, ये छोटे मोटे खर्चे। ऐसे फैक्ट्री में चाय का खर्चा, मट्ठी का खर्चा, चिप्स का खर्चा, कोई मांगने आ गया उसको दे दिया, भगवान को पूजा किया अगरबत्ती का खर्चा, तो ऐसे खर्चे को हम ना 10-10, 20-20 रुपए के खर्चे हैं, तो इसको हम अलग से सेपरेट नहीं रिकॉर्ड करते, इन सबको बोल देते हैं अरे जाने दो ना छोटे मोटे खर्चे में डाल दो, तो उसको हम बोलते हैं जनरल एक्सपेंस या सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर नहीं, एक्सपेंस बोलेंगे, ठीक है?
चलिए ठीक है, बेड डेट्स बताइए आप, बेड डेट्स का बेड डेट्स कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में या ऑफिस में? सर जहां सामान बिकेगा वहीं बेड डेट्स होगा, तो सामान तो ऑफिस में बिकेगा, तो बेड डेट्स कहां का होगा हमारा? ऑफिस का, जो कि कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा? इनडायरेक्ट, और जाएगा कहां? पीएनएल में। चलिए इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, आप सभी को क्लियर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट? अब जिसके डाउट है वो पूछ सकते हैं, मैं आप सभी के जवाब दे देता हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। कुछ भी क्वेरी हो, सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पीएनएल कैसे बनेगा, ट्रेडिंग कैसे बनेगा, बैलेंस शीट में क्या क्या करेंगे, वो सब मैं सब बताऊंगा। अभी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट आपको बस क्वेश्चन में देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। एक पॉइंट और है, एक क्वेश्चन आया सर, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर रॉयल्टी दे रहे हो आप, तो प्रोडक्शन के ऊपर जो रॉयल्टी देंगे उसका खर्चा जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाला जाएगा। लेकिन अगर रॉयल्टी बहुत ह्यूज है, हमने रॉयल्टी दिया 10 सालों के लिए, तो उसको राइट ऑफ किया जाता है टाइम टू टाइम, राइट ऑफ कुछ खर्चे बैलेंस शीट में, कुछ पी एंड एल के अंदर, ठीक है। एक होता है हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंस। सर ट्रेडिंग एक्सपेंस यानी ट्रेडिंग अकाउंट तो ये रहा, तो ट्रेडिंग एक्सपेंस क्या होगा? ट्रेडिंग एक्सपेंस आएगा हमारा पी एंड एल में या इसमें? तो ट्रेडिंग एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में ही जाएगा ना। देखो ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, और ट्रेडिंग व्यापार जो होता है वो यहां से तो नहीं हो सकता फैक्ट्री से, वो व्यापार होगा हमेशा ऑफिस से। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस जो है हमेशा याद रखना ऑफिस का खर्चा होगा ट्रेडिंग एक्सपेंस। एग्जामिनर बड़ा चालाक है, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ये वर्ड ऐसा है जो बच्चे मैक्सिमम मिस्टेक गलती कर देते हैं, इसको याद रखना है हमें, ठीक है। What is the royalty on production? अभिषेक, royalty on production होता है कि जब कोई सामान हम बनाते हैं ना, जैसे कि मान लो, वैसे बेसिकली royalty क्या होता है, कोई जो बहुत पॉपुलर चीजें होती है उसको हम यूज करने के लिए royalty देते हैं। जैसे समझो लाल किला, लाल किला एक बहुत पॉपुलर है। अब मैं बोलूं भाई लाल किले के वहां पे मैं कोई फंक्शन करना चाहता हूं, तो उसके लिए जो मैं स्पेशली बहुत पैसा देना पड़ेगा, वैसे तो होगा नहीं लेकिन स्पेशली बहुत पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि लाल किले पे तो जो पैसे दूंगा वो रॉयल्टी होता है। सेम ऐसे प्रोडक्शन में भी आपको कि प्रोडक्शन पे आपका रॉयल्टी जो होता है, तो प्रोडक्शन का मतलब माल को बनाना और उसके लिए रॉयल्टी जाता है। क्योंकि आप देखोगे कुछ चीजों को, जैसे मैं क्या बात करूं, मेरे पास अभी बुक नहीं है, बुक होता तो मैं बता देता। बुक देखोगे ना तो कुछ बुक एक ही राइटर के जो बुक होते हैं, तो राइटर जो होता है, जैसे मान लो मैं बुक जे आर मोंगा की बुक को मैं प्रिंट करूंगा, मैं बेचूंगा, सारा मुनाफा मेरा होगा, बस मैं जे आर मोंगा को क्या दूंगा? रॉयल्टी दूंगा। ऑथर जो होते हैं उनको रॉयल्टी दिया जाता है, इस तरीके से समझ लो आप। अक्षय का मैसेज आया है कि सर एक बार जर्नल एक्सपेंस और सन्ड्री एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंस दोबारा समझा दो, मेरा फोन आ गया था। अरे ये सारी वीडियो आपको अवेलेबल होगी, आपको मिलेगी, चिंता मत करो, आपका होगा, आप बैक करके भी देख सकते हो, दूसरे बच्चे को परेशान मत करो। आप फटाफट से नोट कर लीजिए जो नोट करना है, हम ज्यादा लंबी आज फर्स्ट क्लास है, वैसे भी थोड़ा मैं ज्यादा लंबी क्लास लेके बोर नहीं करना चाहता। कल की क्लास में जब 9 बजे मिलेंगे, एग्जैक्ट 9 बजे आप सभी आ जाएं, और जो नहीं भी आ सकते आपको ये वीडियोस मिलेगी, और बस कल मैं यही चर्चा करूंगा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, और कल मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं उसका असाइनमेंट ऑलरेडी मैं सेंड कर दूंगा। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नोट करिए फटाफट, जो भी इसमें से ठीक लगे मेन पॉइंट को, आप बेसिकली ये स्ट्रक्चर तो नोट ही करिए, बाकी जो ये मैंने कार्टून वार्टून बनाया है इसको नोट करना है तो करिए, नहीं तो बस समझाने के लिए है आपके, ठीक है। चलिए अगर किसी बच्चों को विजुअल में प्रॉब्लम है तो वो नीचे से अपना एनहांस कर सकते हैं यहां पे जाके क्वालिटी को,
और फिर भी कोई विजुअल में दिक्कत हो, वर्ड ना दिख रहा हो, तो कमेंट में जरूर बताना ताकि मैं इसके ऊपर थोड़ा काम करूं। कुछ एप्लीकेशन में भी एरर आ सकता है, मैं वो सारा चेक करा लूंगा, चिंता मत करो, कल तक बिल्कुल परफेक्टली चलेगा। कुछ बच्चे जो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं आज, वो तो एप्लीकेशन पे सारा नजर आएगा, और जो बच्चे यहां देख रहे हैं उनको यहां पे नजर आएगा। डन, नोट कर लिया? नहीं करा तो आप पॉज करके कर सकते हो। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे यानी कल ठीक 9 बजे, और इसके आगे टू बी कंटिन्यू हम करेंगे। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़िए, और ये सारा नोट अच्छे से करना है। कल मैं असाइनमेंट भी भेजूंगा, और जो क्वेश्चन करेंगे वो भी आपको मैं कोशिश करूंगा साइड में डिस्प्ले करूं, और फिर आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊं। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।